ये कहानी एक ही कंपनी में काम करने वाले दो वर्कर के ऊपर आधारित है जो ओवर टाइम करने की वजह से एक लिफ्ट में फंस जाते हैं और उसके अगले 5 दिन छुट्टी होने के कारण उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। और दोस्तों, इन दोनों के लिफ्ट में फंसने का एक बहुत बड़ा राज छुपा था, और वो राज क्या है आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डाउन, और इसे साल 2019 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डेली ओवरनाइट काम करती थी, और अगले दिन वैलेंटाइन डे होने की वजह से जेनिफर रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके। लेकिन जाने के दौरान जेनिफर के मन में ये ख्याल आता है कि इसके बारे में वो अपने बॉयफ्रेंड को बता दे, लेकिन उसका सरप्राइज खराब ना हो जाए इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताती और ऑफिस से अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर हम गाय नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो जल्दी से काम खत्म करके वहाँ से जा रहा था, और वो जिस लिफ्ट में जाता है उसी लिफ्ट में जेनिफर भी रहती है। वो लोग 50वें फ्लोर पर थे, इसलिए गाय जेनिफर से हाय हेलो करने लगता है और वो जेनिफर से कहता है कि हमें 5 दिनों के लिए छुट्टी मिली है। उसके बाद गाय लिफ्ट में एक चित्र को देखता है और वो जेनिफर को भी दिखाता है जिसमें एक लड़का लिफ्ट में फंसा हुआ था। तभी अचानक उसके लिफ्ट में एक आवाज आती है और उनका लिफ्ट बीच में ही बंद हो जाता है और वो दोनों काफी डरने लगते हैं। वहाँ गाय जल्दी से इमरजेंसी बटन को प्रेस करता है और अलार्म बटन को दबाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी वो दोनों लिफ्ट में कैमरे को देखकर हेल्प मांगने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद वो दोनों अपने अपने फोन से अपने दोस्तों को हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था, और फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से जेनिफर का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। वो लोग वहाँ पर अपनी सारी कोशिश करने के बाद थक हार करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद गाय सोचता है कि यहाँ पर लिफ्ट में कोई न कोई इमरजेंसी एग्जिट तो होगा ही, लेकिन लिफ्ट में सारी जगहों को चेक करने के बाद उन्हें इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिलती और वो दोनों फिर से थक हार कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद जेनिफर गाय से कहती है कि मैं यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती हूँ, जिस पर गाय उसे बताता है कि मेरी यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद जेनिफर को प्यास लगने लगती है, फिर गाय उसे अपना पानी देता है। पानी पीने के बाद हम कुछ ही समय के बाद देखते हैं कि जेनिफर को काफी तेज सुसु आती है, लेकिन वो गाय के सामने नहीं कर सकती थी, जिस पर गाय जेनिफर को समझाता है कि इसमें शर्माने की क्या बात है, और फिर वो जेनिफर को अपना खाली थर्मस देता है जिसे जेनिफर पूरा भर देती है। उसके बाद जेनिफर एक स्क्रू ड्राइवर से उस चित्र के पास एक लड़की को ड्रॉ कर देती है, और उस ड्रॉइंग की सिचुएशन और इन लोगों की सिचुएशन दोनों ही मैच कर रही थी। उसके बाद दोनों आपस में फ्रेंडली बात करने लगते हैं, जहाँ जेनिफर गाय से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ढूंढने वाला कोई आ सकता है क्या, जिस पर गाय उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं और किसी को ये भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ पर जॉब करता हूँ। और उसके बाद जेनिफर भी अपने बारे में बताती है और बोलती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाने वाली थी, लेकिन मेरी फ्लाइट मिस हो गई। जिसके बाद गाय बैग से एक वाइन की बोतल निकालता है और दोनों बैठकर वाइन पीने लगते हैं, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। और तभी गाय जेनिफर को बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत बार देखा है और तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, और ये बातों को सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है, और फिर वो एक दूसरे को अपनी अपनी ड्राइंग दिखाते हैं जहाँ गाय ने जेनिफर की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेनिफर ने उसकी तस्वीर को कार्टून बना दिया। काफी देर होने की वजह से गाय उससे खाने की बात करने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे इस टॉपिक पर बात करने से मना कर देती है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जिस पर गाय जेनिफर से पूछता है क्या हम लोग गपागप पर बात कर सकते हैं, फिर जेनिफर भी इस टॉपिक पर बात करने के लिए मान जाती है, जिस पर वो बताती है कि पहली बार मैंने अपने कॉलेज में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में टपाटप किया था। और ये बातों को सुनने के बाद गाय का एफिल टावर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था वहाँ एक लड़की थी और हम दोनों ने कार में घपाघप किया था। उसके बाद गाय जेनिफर से चुम्मा चाटी करने की परमिशन मांगता है, पर यहाँ पर जेनिफर भी मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों चौथे फ्लोर पर टपाटप करते हैं, और टपाटप करने के बाद गाय को जेनिफर से प्यार हो जाता है, जिस पर जेनिफर बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मैंने तुम्हारा साथ दिया और हमारे बीच में अभी जो कुछ भी हुआ वो आगे नहीं होगा। और गाय इन सारी बातों को सुनकर काफी उदास हो जाता है और वो जेनिफर से बोलता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ, और वो जेनिफर को अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि मैं इस कंपनी में नया नहीं हूँ,
मैं तुम्हें इन ऑफिस में हमेशा आते जाते देखता रहता था और मैं तुम्हें बहुत पहले से ही लाइक करता था। गाय के फोन में सीसीटीवी कैमरास की फोटोज थी और वो जेनिफर को दिखाता है, लेकिन गाय के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से जाकर जेनिफर को बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और टपा टप की बात तो बहुत दूर की बात है। और जेनिफर को ये महसूस होता है कि लिफ्ट का बंद होना और उन दोनों का वहाँ पर फंसना सब गाय का एक साजिश था, जिसके बाद गाय अपने पॉकेट से लिफ्ट का चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, जिसके बाद गाय लिफ्ट में चाबी लगाता है और लिफ्ट चालू हो जाती है। और ये सारी चीजों को देखने के बाद जेनिफर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में कहती है कि अब तू नहीं बचेगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और जेनिफर बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को सब कुछ बता दूंगी और कंप्लेन करके तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी। गाय जेनिफर की ये बातों को सुनने के बाद लिफ्ट को वो दोबारा बंद कर देता है। उसके बाद जेनिफर वहां से जबरदस्ती निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से जेनिफर के पैर लगने की वजह से लिफ्ट की चाबी टूट जाती है और इस बार वो सच में फंस जाते हैं, क्योंकि चाबी के अलावा दूसरा उनके पास कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। और ये देखने के बाद जेनिफर गुस्से में आकर अपने सैंडल से गाय को मारकर नीचे गिरा देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद गाय भी उसका सर पटक देता है, जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़े समय गुजरने के बाद जब उन दोनों को होश आता है तब जेनिफर कहती है कि यहाँ पर और भी सिक्योरिटी गार्ड होंगे, लेकिन यहाँ पर गाय बोलता है कि आज सबकी छुट्टी है क्योंकि मैंने आज सबको ऑफिस में आने के लिए मना किया था, और सभी से बोलता है कि तुम्हारी शिफ्ट को मैं कर लूंगा। जिस पर जेनिफर उससे कहती है कि तुम एक नीच और शैतान आदमी हो। और गाय जेनिफर की ताने सुन सुनकर पागलों की तरह लिफ्ट में तोड़फोड़ करने लगता है, जिसके बाद गाय को जेनिफर के बैग में एक शर्ट मिलता है जो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रही थी, जिसके बाद वो उस शर्ट को पहन लेता है। उसके बाद जेनिफर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो कोने में शांत बैठ जाती है, जिसके बाद गाय बाहर निकलने के लिए अपना दिमाग लगाता है और लिफ्ट में स्क्रू ना होने की वजह से और उसे लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कोई ना कोई जरूर होगा, और उसे एक इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे जेनिफर को ऊपर उठाने के लिए कहता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद जेनिफर को उसके ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं होता और गाय से कहती है कि मुझे पहले ऊपर जाने दो क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर नहीं उठा पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर गाय को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और उसे डर इस बात का लग रहा था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को सारा कुछ बताना दे, जिस पर जेनिफर इस बात का भरोसा दिलाती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और गाय भी उसकी बातों को मान करके उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन उसके बाद वही होता है जो आप सभी सोच रहे थे। जेनिफर उसे धोखा दे देती है और वो वहाँ से अकेले ऊपर चढ़ने लगती है। और ये देखने के बाद गाय लिफ्ट में पागल होने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से कपड़े बांधकर लिफ्ट से बाहर निकलता है और जेनिफर का पीछा करने लगता है। लेकिन जेनिफर जैसे ही वहाँ से निकलने वाली थी तभी गाय उसका पैर पकड़कर जेनिफर को नीचे गिरा देता है और वो दोनों वापस लिफ्ट में आकर गिरते हैं। उसके बाद जेनिफर को जब होश आता है तो वो वहाँ पर कागज जलाने लगती है, क्योंकि लिफ्ट में एक ऐसा सेंसर लगा हुआ होता है कि जब भी कभी लिफ्ट में आग जलती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पानी गिरने लगता है। और तभी गाय को वहाँ पर होश आता है और जेनिफर उसे फिर से मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसके एफिल टावर को काटने लगती है। लेकिन उसकी शक्ल को देखने के बाद जेनिफर को दया आने लगता है। उसके बाद जेनिफर अपने फोन से अपने सफाई के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें गाय बोलता है कि मैं एक कंपनी में मैनेजर था और वहाँ की एक लड़की के साथ मैंने कार में घपाघप किया था, जिसके बाद कार खाई में गिर जाती है और मैं किसी तरह से वहाँ से बच जाता हूँ, जिसके बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और 6 महीने की सजा के तौर पर मुझे जेल हो गई। और जेल से वापस आने के बाद मुझे कहीं नौकरी ना मिलने की वजह से मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। उसके बाद वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड अपने गर्लफ्रेंड के साथ आता है और वो जब सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे नजर आती है कि दो लोग एक लिफ्ट में फंसे हुए हैं और इसलिए वो उन दोनों को बचाने के लिए जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट के अंदर चाबी फेंक देता है, लेकिन गाय उस गार्ड से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जैसे ही वो गार्ड ऊपर से लिफ्ट के अंदर जाने लगता है तभी गाय चाबी से लिफ्ट को चलाकर उसे मार देता है और जेनिफर को बेहोश करके गाड़ी के डिक्की में बंद कर देता है। और वो सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाकर सारी सीसीटीवी फोटोज को डिलीट कर देता है। तभी गाय के पास उस गार्ड की जीएफ सामने आती है जो ये सारी चीजों को देख लेती है और तब गाय भी उसे मार डालता है और वो कार को कूड़े के ढेर में ले जाता है और उसकी पेट्रोल निकालने लगता है, क्योंकि वो जेनिफर को जिंदा जलाने वाला था। लेकिन वहाँ पर जेनिफर कार के डिक्की से चुपचाप बाहर निकल जाती है और जब गाय जेनिफर को बाहर निकलते हुए दिखता है तब जेनिफर उसे मारकर नीचे गिरा देती है और कार लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कार को रिवर्स लेती है और गाय को टक्कर मारकर कूड़े में धकेल देती है और वहाँ पर पेट्रोल छिड़क कर जेनिफर कूड़े में आग लगा देती है, जिसमें कूड़े के साथ साथ गाय भी जिंदा जल जाता है। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।